हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राम बलि। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आज भी पेंटर। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ब्रश से लिखने के लिए पॉइंट कैसे बनाते हैं। तो लिखने से पहले हम पेंट ले लेंगे। यह एनामिल पेंट है, रेड कलर। तो ब्रश ले लेंगे। ये ब्रश अभी साफ है, इसका बाल खुला हुआ इधर उधर है। तो हम इस ब्रश की बाल में पॉइंट बनाएंगे। पहले पेंट में ब्रश डालकर के इसको अच्छी तरह हिलाएंगे, जिससे पेंट सब मिलकर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और देखेंगे कि पेंट मोटा तो नहीं। ब्रश में पेंट उठाकर देखेंगे तो अभी यह पेंट ठीक है, लिखने योग्य है, जैसा चाहिए वैसा ही है। पेंट मोटा होता तो ब्रश से पेंट गिरता नहीं, चिपका रहता। और मोटा पेंट को पतला करने के लिए इसमें हम तारपीन तेल या थिनर डाल के पतला कर लेते। हम ब्रश की पॉइंट पर आते हैं। पहले हम डब्बे में पेंट को हिलाते हुए डब्बे के अंदर ब्रश को ऊपर नीचे पोंछेंगे। हमें बार बार ऐसे ही करना है। ब्रश का बाल दबाते हुए चलेंगे। ब्रश का बाल इधर उधर बिखरा रहता है, तो हम आपस में ब्रश का बाल दबाएंगे कि चिपक जाए। ये ब्रश गिलहरी के बाल वाला ब्रश है, सॉफ्ट एवं मुलायम। जब हम बार बार ऐसे ही करते रहेंगे, ऑटोमेटिक ब्रश में पॉइंट बन जाएगा। ब्रश का क्वालिटी जैसा होगा, पॉइंट वैसा ही बनेगा, ब्रश पर निर्भर करता है। तो हम इसी ब्रश में बड़ा लेटर और छोटा लेटर पॉइंट दार लिखेंगे। तो हम अब लिखना शुरू करेंगे। ये ब्रश हमारा 12 नंबर है, विशाल कंपनी का। हम यह ब्रश बहुत पहले सिटी गए थे तो वहाँ से ख़रीदे थे। अब ऐसा ब्रश मिलता ही नहीं है। अगर आपकी तरफ ऐसा ब्रश मिलता है तो मुझे ज़रूर बताएं। जिस ब्रश का बाल मुलायम हो, वह ब्रश राइटिंग करने के लिए अच्छा रहता है। इस तरह के ब्रश से साइन बोर्ड, शीशा या चिकना दीवार जैसे जगहों पे या छोटा राइटिंग करने में अच्छा रहता है। लॉन्ग हेयर ब्रश वाटर कलर में कभी कभी ही यूज करते हैं, मगर वाटर कलर में ब्रश का बाल सिकुड़ और फट जाता है, इसलिए वाटर कलर में कभी कभी ही यूज करते हैं। और मौसम की रह गई बात, तो गर्मी के मौसम में तो वाटर कलर में भी अच्छा रहता है और एनामिल पेंट में भी। एनामिल पेंट की बात करते हैं तो एनामिल पेंट में ब्रश कोई भी मौसम हो, कोई दिक्कत नहीं होता। एनामिल पेंट से बाल सख्त और मुलायम बना रहता है। दोस्तों, इस ब्रश को चलाने में हमें अपना शरीर का बैलेंस एकदम बनाए रखना पड़ता है और हाथ हमारा कांपना नहीं चाहिए। हाथ का भी बैलेंस बनाए रखना अच्छा रहता है, तभी राइटिंग का शेप अच्छी तरह से बना पाएंगे। हम यह कोशिश प्रैक्टिस से ही अच्छी तरह दे पाएंगे। हम जितना ही प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही हमारे लिए बेहतर और अच्छा रहेगा। तो हमें हमेशा प्रैक्टिस करनी है। अगर हमारे हाथों में कंट्रोल नहीं है, हाथ कांप रहा है, तो हम अच्छी लेटर पॉइंट नहीं दे पाएंगे। हम जब पहली बार लॉन्ग हेयर ब्रश से राइटिंग कर रहे थे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे हम ब्रश को चलाएं। इधर उधर जहां मुड़ते थे वहां हाथ कांप जाता था, बाल फट जाता था। जैसे मुड़ते थे वैसे मुड़ नहीं पाता था। अभी भी जब ज़्यादा दिन तक हम लोग बाहर में साइड पर वॉल पेंटिंग करने चले जाते हैं तो लॉन्ग हेयर ब्रश तो वॉल पेंटिंग में चलता नहीं है, बैनर ब्रश ही ज़्यादा चलता है। तो जब साइन बोर्ड या जो भी कुछ लॉन्ग हेयर ब्रश से लिखना पड़ता है तो दिक्कत होती है, थोड़ा हाथ में कंपन रहता है, मगर कुछ समय के बाद धीरे धीरे सही हो जाता है। तो पहले हमें फ्लैट बाल से ही राइटिंग प्रैक्टिस करना है, फिर उसके बाद लॉन्ग हेयर ब्रश चला पाएंगे। तो अभी हम इस ब्रश से बड़ा लेटर लिख रहे थे, अब इसी ब्रश से हम छोटा राइटिंग करेंगे। तो छोटा राइटिंग करने के लिए पहले हम
इस बाल को हमें पतला करना पड़ेगा। तो हम फिर वैसे ही डब्बे में डालकर ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ हम इस ब्रश को नचाएंगे और पेंट काटते जाएंगे। अभी देखिए ब्रश का बाल चौड़ा है, फिर उसके बाद ऐसे ही हम करेंगे तो ये पतला बन जाएगा। तो इसी ब्रश का बाल अब पतला हो चुका है और इसी ब्रश से अब हम पतला लेटर छोटा लिखेंगे। बड़ा लेटर लिखने में हमें दो तरफ पोंछना है, वहीं हम ब्रश से छोटा राइटिंग करते हैं तो ब्रश को चारों तरफ पोंछना होता है। लॉन्ग हेयर ब्रश बड़ी ही काम का होता है, इससे हम छोटा बड़ा दोनों प्रकार के अक्षर लिख सकते हैं। तो आप ब्रश को देख रहे हैं, ब्रश वही है जिस ब्रश से हम ऊपर ये बड़ा वाला लेटर लिखे थे। बस फर्क इतना है कि वहाँ पर हम ब्रश का बाल बराबर रखे थे और यहाँ पर हम छोटा राइटिंग कर रहे हैं, तो ब्रश का बाल दबा करके चारों तरफ से इसको पतला कर लिए हैं। बस फर्क इतना ही है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं या हमारे चैनल के वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इस चैनल पर पेंटिंग से संबंधित अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो फिर हम आपसे मिलेंगे जल्द ही एक नया अच्छा सा पेंटिंग राइटिंग वीडियो लेकर। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तो आपने अपना इतना कीमती वक्त इस वीडियो को देखने में दिया, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।